एक एक का गला काट के फेंक दूंगी

अगर आज आपको लगता है कि भारत बहुत डाइवर्स है और आप इस बात पर गौरव महसूस करते हैं तो फिर आपको यह भी एक्सेप्ट करना होगा कि कई देश के हिस्सों में ऐसी परंपराएं हैं जो आपके परंपराओं के अगेंस्ट होंगी या फिर आपके मॉरल और एथिकल कोड्स के अगेंस्ट होंगी तो ऐसा ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर मीट का बैन है हमारे लिए शायद उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में डॉग मीट कंज्यूम करना बिल्कुल गलत हो सकता है हम उसे इस नगाह से देखेंगे कि कोई कुत्ते को मार के कैसे खा सकता है लेकिन जिस सोसाइटी में वो मीट कंज्यूम किया जा रहा है वहां पर वो बहुत ही नॉर्मल एक्टिविटी है इसका एक बहुत ही कॉमन और कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल बीफ भी है बीफ यानी कि गाय का मीट देश के कई राज्यों में कई हिस्सों में नहीं खाया जाता हिंदू धर्म के अंदर गाय को पूजा जाता है गाय को सेक्रेड माना जाता है तो उसका मीट कंज्यूम नहीं किया जा सकता तो गाय को मारने के बारे में एक एवरेज हिंदू नहीं सोचता है लेकिन देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हिंदू भी बीफ को खाते हैं और मुस्लिम कम्युनिटीज में भी बीफ कंज्यूम किया जाता है अगेन सभी जगह नहीं किया जाता लेकिन कई जगह किया जाता है जैसे कि आज भी भारत में नौ राज्य हैं जहां पर काउ स्लॉटर के खिलाफ कोई कानून नहीं है बीस राज्यों में है बीस राज्यों ने अपने अपने स्टेट्स में यह कानून लाया हुआ है कि काउ स्लॉटर इलीगल होगा और 2017 में भारत सरकार ने एक ऑल इंडिया कानून लाने की भी कोशिश करी थी और ये नोटिफिकेशन भी पास किया था कि काउ स्लॉटर इलीगल है लेकिन फिर भी वो नौ राज्यों में आज भी काउ स्लॉटर जारी है क्योंकि वहां पर कल्चरली बीफ खाने का ट्रेडिशन है तो आज मेरे लिए और उत्तर भारत के ज्यादातर लोगों के लिए गऊ पूजनीय हो सकती है गाय का मीट हम सोच भी नहीं सकते कि हम टच करें लेकिन क्या एक मणिपुर में रहने वाले व्यक्ति से यही सोच की उम्मीद रखना सही है जायज है एथिकल है नहीं दूसरा उदाहरण है इसका पोर्क यानी कि सुअर का मांस उसको बेकन के रूप में भी बहुत दुनिया में खाया जाता है बेकन एक प्रकार का सुअर का मांस ही है उसको सॉल्ट के साथ ट्रीट करके बेचा जाता है तो बेकन बहुत पॉपुलर है बर्गर्स में बहुत यूज किया जाता है तो जितने भी आप ये बर्गर के ऐड देखते हो अमेरिकन फूड चेन कंपनीज के उनमें सब में बेकन होता है या फिर बीफ होता है दोनों में से कोई एक प्रकार का मीट इस्तेमाल किया जाता है तो ये जो बेकन और पोर्क है ये कई धर्मों में खाना बिल्कुल इलिगल है जैसे कि इस्लाम जुडाइज्म लेकिन कई धर्मों में इसके खिलाफ कोई टाबू नहीं है जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर बेकन खाने के खिलाफ कोई रोक नहीं है तो आप समझ रहे हैं कि रीजन वाइज भी फर्क है धर्म के हिसाब से भी फर्क है कि कौन सा मीट कहां खाया जाता है कहां नहीं खाया जाता दूसरा आर्ग्यूमेंट यह है कि जो लोग डॉग मीट को बैन करवाने की बात कहते हैं उनकी नजर में कुत्ता इंसान का साथी है कंपेनियन है क्यों दूसरे जानवर क्यों नहीं हो सकते क्या किसी के लिए बकरी उसको प्यारी नहीं हो सकती अगर किसी की पालतू बकरी है या फिर कोई भी और जानवर है वो भी तो उसके लिए प्यारा हो सकता है जस्ट बिकॉज कुत्ते को हमने पालतू बना लिया है इस तरह के क्यूट फोटोज आपको कई सारे देखने को मिल जाएंगे डॉग्स के तो दूसरे जानवरों ने क्या बिगाड़ा है क्या बकरी के अंदर इमोशंस नहीं होते लेकिन मीट इसके मीट को बैन करने के लिए कोई नहीं कहता आराम से इसका मीट खाया जाता है कंज्यूम किया जाता है कई ऐसे भी लोग हैं जो खुद रोज तंदूरी चिकन खा रहे हैं लेकिन वो डॉग मीट के फेवर में ट्वीट करेंगे मैंने खुद कई सेलिब्रिटीज को देखा है कि वो मीट खाते हैं लेकिन डॉग मीट बैन के फेवर में उन्होंने ट्वीट किया था तो ये एक प्रकार की हिपोक्रेसी है कि आप एक जानवर को तो इंसान का दोस्त मान रहे हैं उसका स्लॉटर आपको बिल्कुल घिनौना लगता है लेकिन दूसरी ओर किसी और जानवर का मीट आपको बहुत अच्छा लगता है आप उसको खाने के लिए तैयार हैं इसी हिपोक्रेसी का एक और उदाहरण आपको देता हूं अमेरिका के बारे में यूएसए जहां पर बेकन यानी कि सुअर का मांस बड़े आराम से खाया जाता है इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेकफास्ट बच्चा बच्चा वहां पर बेकन खाता है लेकिन वहां पर हॉर्स मीट बिल्कुल टैबू है अमेरिका में जाकर अगर आप घोड़े का मांस बेचना शुरू करोगे अपने रेस्टोरेंट में आपका रेस्टोरेंट अगले दिन बंद हो जाएगा लेकिन जिन इलाकों में हजारों सालों से घोड़े का मांस खाया जाता है क्या वो गलत है बिल्कुल नहीं अमेरिका के एथिक्स आप मंगोलिया में थोड़े ना लगा सकते हो मंगोलिया में वाइल्ड हॉर्सेस हमेशा से मिलते आए हैं तो जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो स्टेपीज वाला रीजन है वहां पर घोड़े का मांस खाना बहुत ही कॉमन है उनकी स्टेपल डाइट है आज भी मंगोलिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स है हॉर्स मीट का और इनफैक्ट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को आप छोड़ दो यानी कि यूके यूएसए साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया इन बड़े देशों को छोड़ दो तो उसके अलावा लगभग पूरी दुनिया में घोड़े का मीट खाया जाता है यूरोप के भी लगभग सभी देशों में हॉर्स मीट को एक डेली की तरह खाया जाता है स्पेशली इन सेंट्रल यूरोप तो मैं आपको यह बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक मीट या एक जानवर किसी एक समुदाय के लिए या फिर किसी एक क्षेत्र में बहुत ही प्यारा हो सकता है पेट हो सकता है पालतू हो सकता है लेकिन दूसरे क्षेत्र में उसको खाया जाता होगा मैंने इतनी देर जो आपको बात समझाई इसको एक सेंटेंस में लिखा जा सकता है ये आर्ग्यूमेंट कई बार लोग यूज करते हैं जब किसी मीट बैन को रोकना होता है खास करके बीफ बैन के संदर्भ में ये बात कई बार कही जाती है लोगों द्वारा इफ यू डोंट वॉन्ट टू ईट डैश डोंट ईट इट बट डोंट फोर्स योर व्यू ऑन अदर्स ये बात वैसे वीर सांगवी ने कही थी अपने एक रीसेंट एडिटोरियल में मैंने वहां से लिया है इसे तो इन्होंने ये कहा कि आप इस फिलिंद द ब्लैक को किसी भी नाम से या किसी भी जानवर का नाम यहां पर लिख दो और फिर इसे पढ़ो तो मान लो कि आप चिकन खाते हो आपको चिकन बहुत अच्छा लगता है तंदूरी चिकन के शौकीन है लेकिन आपको लगता है कि कोई कुत्ता कैसे खा सकता है तो आप यहां पर इसे लिख कर देखिए इफ यू डोंट वॉन्ट टू ईट चिकन डोंट ईट इट बट डोंट फोर्स योर व्यू ऑन अदर्स तुम्हें चिकन नहीं खाना तुम मत खाओ लेकिन अपना नजरिया दूसरों पे मत थोपो तो ये आर्ग्यूमेंट हर जगह वैलिड है ये चिकन के मामले में भी वैलिड है काऊ के मामले में भी वैलिड है डॉग के मामले में भी वैलिड है हो सकता है कि आपको कुत्ता खाना पसंद नहीं है आपका शरीर कांप उठता है कोई कुत्ता कैसे खा सकता है लेकिन किसी और को तो वो सही लगता है वो नॉर्मल लगता है आप जो चिकन खा रहे हैं हो सकता है कि वो किसी और को गलत लगता हो एक और आर्ग्यूमेंट है यहां पर हमें लगता है कि जिस जानवर में इमोशंस की कमी है जिसमें भावनाएं नहीं है उसको हम आराम से मारकर खा सकते हैं जैसे कि कॉमनली ये सोचा जाता है कि चिकन में कहां के इमोशन है आराम से चिकन को मारो खाओ सभी एंजॉय करते हैं तंदूरी चिकन खाना लेकिन आपको और मुझे नहीं पता कि चिकन में इमोशन होते हैं या नहीं क्योंकि हमने कभी इसके ऊपर डिटेल्ड स्टडीज तो पढ़ी नहीं ना कभी स्टडीज शायद हुई होंगी जबकि कुत्ते जो हैं उनको हमने पाला है अपने आसपास रखा है तो हमने ऑब्जर्व किया है कि कुत्तों में अफेक्शन होता है इंसान के प्रति भी और अपने बच्चे के प्रति या फिर जो दूसरे कुत्ते होते हैं उनके प्रति तो हमने डॉग्स को काफी नजदीक से देखा है तो इसीलिए हम जानते हैं कि उनमें इमोशंस हैं लेकिन क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप हो चुकी है जो हर प्रकार के जानवरों के इंट्रैक्शन को और बिहेवियर को स्टडी कर सके इसका उदाहरण डॉल्फिन से देता हूं आपको आज से साठ साल पहले तक यह सोचा जाता था कि मछलियां एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करती हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उनकी बातचीत को समझने के लिए जब साउंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जब हमने इको लोकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू किया तब पता चला कि डॉल्फिन्स, वेल्स ये सभी कुछ पर्टिकुलर साउंड सिग्नल्स भेजते हैं जिससे ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं और ये सिग्नल कई जानवरों के द्वारा भेजे जाते हैं धीरे धीरे स्टडीज हो रही है इसके बारे में और जब इतने बड़े स्तर पर दुनिया भर में पोल्ट्री फार्म्स चल रहे हैं और उसके बाद स्लॉटर हाउसेस चल रहे हैं जहां पर चिकन को और अन्य कई जानवरों को मारा जाता है तो क्या इन्हें दर्द महसूस नहीं होता होगा हमने ये अज्यूम कर लिया है कि दर्द केवल कुत्ते को होता है या फिर घोड़े को होता है और चिकन को दर्द नहीं होता होगा बकरी को दर्द नहीं होता होगा तो इनके मीट से हम ओके हैं तो ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स में ड्यूएलिटी है यानी कि हम एक जानवर को अलग नजर से देखते हैं दूसरे जानवर को अलग नजर से देखते हैं अब फाइनली मैं कुछ पॉइंट्स आपको इसके फेवर में भी बताता हूं कि क्यों मीट बैन चाहे वो किसी भी जानवर का हो वो सही है क्योंकि रिसेंटली जब कोरोना वायरस पैंडेमिक आई है तो ये जूनोटिक डिजीज है जूनोटिक डिजीजेस पर ऑलरेडी एक अलग लेक्चर बना हुआ है आप उसे जरूर देखिएगा तो जूनोटिक डिजीजेस बढ़ती जा रही है इनफैक्ट जितनी भी नई बीमारियां आजकल आ रही है उनमें से आधी जूनोटिक डिजीजेस ही होती हैं और इसीलिए जो यूएन बायोडाइवर्सिटी चीफ है उन्होंने भी अभी रिक्वेस्ट किया था पूरी दुनिया की सरकारों को कि आप वाइल्ड लाइफ मार्केट्स को बैन कीजिए चाहे वो कोई भी जानवर हो जिसका लाइव uh, खरीदा बेचा जा रहा है उसे और बाद में उसे स्लॉटर किया जाता है जैसे कि चाइना में वेट मार्केट्स हैं तो उन्हें बैन करो अब हालांकि भारत में देखो चाइना के स्तर के वेट मार्केट नहीं है लेकिन हमारे यहां पर भी चिकन्स को खरीदा बेचा जाता है लाइव हमारे सामने मारा जाता है तो वो छोटे स्तर पर तो हो ही रहा है वेट मार्केट वाला काम तो जूनोटिक डिजीजेस का खतरा है तो अगर किसी भी जानवर को बैन किया जा रहा है तो इट इज अ गुड थिंग इन दैट डायरेक्शन सबसे मेजर आर्ग्यूमेंट तो यही है कि चाहे वो कोई भी जानवर हो हर जानवर को दर्द होता है हर प्राणी को दर्द होता है तो किसी भी प्राणी को मारना और उसे खाना सही नहीं है ये इंसान की फितरत का हिस्सा नहीं है हमें केवल वेजिटेरियन डाइट पर शिफ्ट हो जाना चाहिए खैर ये अपने आप में एक लार्जर डिबेट है और वो मैं अभी डिटेल में उसमें नहीं जाने वाला हूं क्योंकि समय नहीं है मे बी सम अदर डे विल गो इन टू दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस हैव अ ग्रेट डे